Clash of Clans. Play now. हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। सो क्लैशर्स, क्लैश ऑफ क्लैन में क्लैन वॉर लीग तो आप लोग सभी लोग खेले होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का क्लैन कौन से लीग में है। मैं देखना चाहता हूँ सभी के कमेंट। बट क्लैन वॉर लीग्स का सबसे खास बात यह है कि आप लोग को ना इसके रिवॉर्ड में, विनिंग रिवॉर्ड में रिसोर्स तो मिलते ही मिलते हैं हर एक मैचेस में, बट यहाँ पे आप लोग को मेडल्स भी मिलते हैं। मेडल्स हर एक जगह का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो लीग में उस लीग के अनुसार से मिलता है। बट वीडियो में मेन हम लोग आगे बढ़े, किस तरह से आप लोग को मेडल्स को बचाना है और बड़े बड़े जो स्टैचूज हो गए और मैजिकल आइटम हो गए उन्हें आप लोग बाद में परचेस कर सकते हो। किस तरह से आप लोग यहाँ पे करोगे सब वीडियो में आगे बताऊंगा गाइज। बट उसके पहले जो आप लोग के द्वारा पूछे गए कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि क्लैन वॉर लीग में हम लोग को कैसे सबसे ज्यादा मेडल्स मिल सकता है। इसमें गाइज मैं आप लोग को यही कह सकता हूँ कि आप लोग जितना लीग हाई मेंटेन करोगे क्लैन का, उतना ही ज्यादा आप लोग को मेडल्स मिलेगा। बट इसी के साथ साथ यहां पे आप लोगों को मैं मेंशन कर दूं कि अगर आप जो भी लीग में हो, उस लीग में अगर आप क्लैन वॉर लीग में पार्टिसिपेट करते हो, एक भी मैचेस नहीं खेलते हो, तो जो लीग में हो उसका 20% मेडल तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप खेलो या ना खेलो, मैचेस वो बराबर होता है। बट साइन अप के दौरान आप लोग साइन अप हो जाना उस CWL में, हाईएस्ट लीग के क्लैन वॉर लीग में, ओके। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर लियो और सबसे ज़्यादा मेडल्स चाहिए, तो आप लोगों को मिनिमम गाइज 8 स्टार, यार ध्यान रहे 8 स्टार, यानी तो फिर 8 से ज़्यादा स्टार ग्रैब आउट करना है। मिनिमम तो 8 स्टार ग्रैब करना ही करना है 100% रिवॉर्ड को ग्रैब करने के लिए। 100% कितनों का 100%, ये क्वेश्चन आएगा आप लोग के मन में। क्लैशर्स, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक रैंकिंग दी गई है। अगर जैसे मैं Master League 1 में हूँ, तो Master League 1 में ये रैंकिंग है, हम जो भी प्लेस पे आएंगे उतना मेडल्स हम लोग को मिलेगा एज ए 100%, ओके। अगर मैं 8 स्टार और 8 स्टार से ज़्यादा स्टार ले आता हूँ, तो यहाँ पे इतना मेडल्स मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट करता हूँ Master League 1 में, तो 382 मेडल्स मिलेगा। अगर हम लोग लास्ट करते हैं, तो 340 मेडल्स मिलेगा। बट अगर हम लोग फर्स्ट करते हैं और मैं बस ओनली 0 स्टार लाता हूँ क्लैन वॉर लीग में टोटली मिला करके, तो मुझे 382 का यहाँ पे ओनली 20% ही मेडल देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ डिवीजन होता है यहाँ पे क्लैन वॉर लीग मेडल का। इसके अलावा क्लैन वॉर लीग मेडल आप लोगों को क्लैश ऑफ क्लैन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लैश ऑफ, दैट्स व्हाई ये मेडल्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो जाता है। बट हम लोगों ने 2000 का ये जो ट्रॉफी है उसे कैसे अनलॉक किया, या स्टैचू आप लोग बोल दो। यहाँ पे स्टैचू का सबसे खास बात ये कि आप लोग थोड़ी देर इसे प्रेस करके रखोगे ना, उसके बाद यहाँ पे से एक लाइटनिंग आप लोग को दिखेगा, ओके। तो आप लोग को लाइटनिंग देखने के लिए थोड़ा देर इस जगह प्रेस करना पड़ेगा, और आप लोग देख सकते थे यहाँ पे लाइटनिंग थोड़ा सा आया था, ओके। सो लेट्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, टाउन हॉल 10 को हम लोग एक बेस लेके चलते हैं। टाउन हॉल 10 से अगर आप लोग नीचे हो, तो गाइज आप लोग यहाँ पे कभी भी मैजिकल आइटम में 2 हैमर्स का इस्तेमाल मत करना। हैमर्स ऑफ बिल्डिंग और हैमर ऑफ स्पेल, ये दोनों बिल्कुल ही बर्बाद है, क्योंकि जो भी टाइम्स आप लोग के यहाँ पे दिए जाते हैं अपग्रेडेशन कॉस्ट में और टाइमिंग में, वो बहुत ही कम होते हैं, लगभग निग्लिजिबल माना जाता है टाउन हॉल 11, 12, 13 के मुकाबले में। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा टाउन हॉल 10 और 10 से नीचे वाले हैमर्स ऑफ बिल्डिंग का इस्तेमाल मत करो, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट पड़ता है मेडल्स का। और साथ में ही हैमर्स ऑफ हीरोज भी यूज मत करो, 45 एक्स्ट्रा मेडल्स यहाँ पे हैमर ऑफ हीरोज लगाता है। अगर आप लोग समझो 40 तक किंग क्वीन को करने में अगर अभी आप लोग यहाँ पे हैमर ऑफ हीरोज इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई जब आप लोग यहाँ पे 70-75 तक अगर हायर लीग में करना चाहोगे, तो आप लोग उस समय क्या करोगे यार, मतलब उतना मेडल्स तो आप लोग पास लिटरली रहता नहीं है। आप लोग को भी पता है कितना मेडल्स आप लोग को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि बचत करो यार, जहाँ पे कम रिसोर्स लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो वहां तक क्यों मेडल्स का स्पेंड करना, जहां ज्यादा लगेगा वहां हम लोग स्पेंड करेंगे ना। तो अभी टाउन हॉल 10 से नीचे वाले एकदम इनको छूना भी मत यार, जो मैं बता दिया हूं नहीं छूने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेडल्स आप लोग का बचे, तो अगर एंटरटेनमेंट के तौर पे मजे से आप लोग धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहते हो, फिर तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको अपने मेडल्स बचाना है, तो ही आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या
परचेस कर सकते हो यार। जो भी टाउन हॉल 10 और 10 से नीचे उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्डअप पोर्शन और रिसर्च पोर्शन आप लोग परचेस कर सकते हो। हालांकि ये दोनों भी काफी कॉस्टली है एंड रिसर्च पोर्शन कॉस्टली नहीं है। ये आप लोग जैसे चाहे वैसे खरीद के आप लोग अपने लैबोरेटरी को मैक्स आउट कर सकते हो। ये एक बेटर ऑप्शन है आप लोग के लिए एंड बट यहाँ पे जो बिल्डअप पोर्शन है थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आप लोग अगर फिर भी बहुत जल्दी मैक्स आउट करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि बिल्डअप पोर्शन आप लोग परचेस कर करके अपने 5 से 6 बिल्डर्स तो आप लोग पास नहीं होगा इस समय फिलहाल, लेकिन 5 बिल्डर्स को आप लोग बूस्ट डाउन कर सकते हो। कम टाइम रहता है, बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोग का बिल्डिंग्स मैक्स भी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में वॉल्स रिंग हो गया, ट्रेनिंग पोर्शन हो गया, रिसोर्स पोर्शन हो गया और जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज हो गए गोल्ड इलिक्सर, इन सब से काफ़ी दूर रहो यार। एकदम 36 का आंकड़ा बना के रखो इन सारी चीज़ों से, क्योंकि टाउन हॉल 10 और 10 वालों के नीचे एकदम ये बर्बाद है, ठीक है। आप लोग का पूरा मेडल्स को बर्बाद करने का एक तरीका है। जो टाउन हॉल 6-7 होते हैं ना, अगर वो थोड़ा कुछ चाहते तो यहाँ पे गोल्ड और इलिक्सर ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि लोअर टाउन हॉल में ना लीग में थोड़ा लूट नहीं मिलता। 7 नहीं यार, 6, 5, 4, 3 तीन टाउन हॉल को मैं रिकमेंड करूंगा। 7 में तो भाई अच्छा खासा मिलना चालू हो जाता है लूट आप लोग का। तो ये चीज मैं छोटा सा रिकमेंडेशन करूंगा आप लोग सभी लोग के लिए, बट ये सारे रिकमेंडेशन जो टाउन हॉल 10 और 10 टाउन हॉल 10 से नीचे ना उन लोगों के लिए हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ी एक चीज बात मैं बता दूं गाइस, जो आप लोग का वॉल रिंग होता है ना, ये वॉल रिंग आप लोग का ऑलमोस्ट 10 लाख इलिक्सर गोल्ड के बराबर एक वॉल रिंग आप लोग को दिया जाता है, ओके। तो 10 लाख गोल्ड इलिक्सर से जितने भी वॉल्स नीचे के हैं ना, उनको तो गाइस आप लोग कभी भी वॉल रिंग से मत करना, उनके ऊपर वाले कॉस्ट वाले वॉल्स को आप लोग कर सकते हो। ये चीज़ मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। ये सारे टिप्स उन सारे क्लैशर्स को फिलहाल तो भी हेल्प करेंगे जो भी क्लैश ऑफ क्लैन में न्यू हो, लेकिन काफ़ी सारे क्लैशर्स ये भी बोलेंगे यार ये सब तो मुझे पता है आप क्यों बता रहे हो। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे सभी को ले करके चलना पड़ता है ब्रदर, आप बहुत दिन से खेल रहे हो बट यहाँ पे काफ़ी सारे क्लैशर्स न्यू भी खेलते हैं, तो मुझे एक बेस लाइन से ऊपर बढ़ना पड़ता है धीरे धीरे करके, कि ताकि सभी लोग जो भी न्यू भी वीडियो को देख रहे हैं उनको सारी चीज समझ में आए एक्चुअली में गेम है क्या और कैसे खेला जाता है, कैसे आप लोग इसमें प्रो बन सकते हो। सो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को पता है ये सारी चीज तो थोड़ी सी आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो क्लैशर्स यहाँ पे मैं पूरी फुल डिटेल बता दे किस तरह से आप लोग को मेडल्स को बचत करना है और बचत करके आप लोग स्टैचू सब बचत कर सकते हो। स्टैचू बड़ा ही यूनिक चीज होता है आप लोग के बेसिस में। बट क्लैशर्स यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अब टाउन हॉल 11, 12, 13 वालों के लिए क्या, टाउन हॉल 11, 12, 13 वालों के लिए गाइज यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रिसोर्स है ना, ये रिसोर्स सेक्शन बेकार है, फालतू है, कुछ भी काम नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को जो टाउन हॉल 11, 12, 13 जो अच्छे स्टैंड में बने हुए हैं, ठीक है, जो टाउन हॉल जैसे 10 को मैक्स करके आए, 10 मैक्स करके जो भी 11, 12, 13 हो, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। जो भी बिल्डिंग्स आप लोग का सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइमिंग ले रहा है उनको आप बुक से अपग्रेड करना गाइज, ये चीज ध्यान रहे, मैं बुक बोला हूं, कभी भी हैमर नहीं बोला हूं, हमेशा आप लोग उन चीजों को बुक से अपग्रेड करना। और उसके बाद जो भी आपके हीरोज हैं जो कि अब 1 वीक से ज्यादा का टाइम ले रहे हैं अपग्रेड करने में, उन सारे हीरोज को आप लोग हैमर ऑफ हीरोज लेकर के इस्तेमाल करना, ठीक है। क्योंकि यार जो अभी आप लोग रस थोड़े से भी हो गए, जो न्यूली टाउन हॉल 11, 12, 13 हो गए ना, उनके लिए यहाँ पे हीरोज बहुत ज्यादा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अगर प्रेटी लेवल हीरोज की बात करो तो क्वीन, वार्डन, रॉयल चैंपियन एंड किंग, ऐसा कुछ प्रेटी लेवल चलता है यहाँ पे टाउन हॉल 13 के हीरोज के अपग्रेडिंग का। तो इन सिक्वेंस को आप लोग फॉलो करके अपने हीरोज को अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद ना आप लोग अपने स्पेल में भी कभी भी यहाँ पे हैमर इस्तेमाल नहीं करना, बट ना यहाँ पे एक और प्रो टिप्स आता है, बिल्डअप पोशन आप लोग उस समय इस्तेमाल कर सकते हो ना जब आप लोग का 3 से 4 बिल्डर हीरोज को अपग्रेडिंग कर रहा हो, ठीक है। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग अपने 3 से 4 बिल्डर्स को अगर हीरोज को अपग्रेडिंग करने में लगा दियो तो आपके लिए ना सबसे बेस्ट मैजिकल आइटम यहाँ पे बिल्डअप पोशन है यार। हीरोज को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा अपग्रेड करने में 6 to 7 to 8 days, ठीक है, 6-7-8 days के लिए आप लोगों के लिए बेफिक्र यहाँ पे बिल्डअप पोशन बना है। उन सभी अपग्रेडेशन को जल्दी करने के लिए यहाँ पे बिल्डअप पोशन बिल्कुल ही परफेक्ट है। और अगर 1-2 ही हीरोज है तो फिर आप लोग तो भाई बिल्डअप पोशन मत ही यूज करना। सो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी 10 डेज के नीचे का अपग्रेडेशन होता है ना,
उनके लिए बिल्डअप पोर्शन सबसे परफेक्ट साबित होता है। सो क्लैशर्स, आई होप सो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक न्यू मिले होंगे जो कि आपके यहाँ पे मेडल्स को बचाने में हेल्प करेंगे और एक अच्छे प्रो क्लैशर्स और जल्दी बेसिस को मैक्स करने में ये सभी चीज़ें आप लोग की हेल्प करेंगी। सो क्लैशर्स, आई होप सो आप लोग आज के इस वीडियो में बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। क्लैश ऑन क्लैशर्स।